ये क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है बेटा, इस क्वेश्चन को सही कर लेना। इन एनी ट्राइंगल ए बी सी द वैल्यू ऑफ बी प्लस सी कॉस ए प्लस सी प्लस ए कॉस बी प्लस ए प्लस बी कॉस सी, पहले हमें ये दिया है ये एंड ये, इसका मान क्या होगा? देखो बेटा एक से ही काम चल जाएगा, मैंने कहा था जब भी दो फंक्शन दिए जाएं केवल एक से ही काम चल जाएगा, एक से ही काम चल जाएगा बेटा। देखो मैंने आपको बताया था इसको, ये बीच में प्लस लगा लेना, बीच में प्लस नहीं है, बी प्लस सी कॉस ए प्लस सी प्लस ए कॉस बी प्लस ए प्लस बी कॉस सी, ये बीच में प्लस नहीं है, प्लस लगा लेना बेटा। देखो मैंने आपको बताया था, बताएंगे मुझे आप बी कॉस ए प्लस सी कॉस ए प्लस सी कॉस बी प्लस ए कॉस बी प्लस ए कॉस सी प्लस बी कॉस सी, एक लाइन में हो सकता है आंसर आ जाए। देखो बेटा ध्यान दो, सभी स्टूडेंट ध्यान दो, देखो बेटा बी कॉस ए, बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी, ए कॉस बी, बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी, सी कॉस ए, ए कॉस सी, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, ये सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, बी कॉस सी। बेटा ये क्या बताया था, बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी, क्या बताया था सी, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, क्या बताया था बी, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, क्या बताया था ए, क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी। आंसर कहीं कौन से ऑप्शन में आता है, डी ऑप्शन में आता है, ए प्लस बी प्लस सी, डी ऑप्शन इज राइट, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही कार्तिक वर्मा। अब आपको यही पता लग गया चाहिए कि b cos c प्लस c cos a, पता लग गया, बन गया फॉर्मूला c cos b प्लस a cos b, a cos c प्लस b cos c, बस प्रोजेक्शन फॉर्मूला बन गया b cos a प्लस c cos, क्या लिख दिया b cos, मल्टीप्लाई कर दिया b cos a प्लस c cos a, सबका मल्टीप्लाई कर दिया, अब इनको मैंने साथ साथ लिख दिया b cos a cos b, c cos a cos c, C cos B plus B cos C, ये हमारा B C हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा A हो गया, A plus B plus C। हाँ हर्षित मिश्रा बोलो बेटा, नहीं बेटा प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला बताया था बेटा मैंने आपको, बोलो क्लियर सभी बच्चे बोलो बेटा, यहाँ नेटवर्क दिक्कत हो सकती है आपके यहाँ, मेरे यहाँ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है मुझे अपने सिस्टम पर, मुझे अपने सिस्टम पर बेटा साफ दिखाई दे रहा है बिल्कुल। देखो बच्चे मैं देख रहा हूँ बेटा, कोई भी दिक्कत आप लोगों को है तो मुझे आप तुरंत बताइए, लेकिन क्या है ना कि बच्चे जब तक साथ में ज्वाइन नहीं करेंगे, हाँ मनु श्रेष्ठ बोलो बेटा, मनु श्रेष्ठ बोलो बेटा, दिल से क्लियर, कुछ नहीं किया मनु श्रेष्ठ, ये क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ थी, तो यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बी कॉस ए प्लस सी कॉस ए, सी कॉस बी प्लस ए कॉस सी प्लस बी कॉस सी, आपको बताया था बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी, साथ साथ लिख दिया सी कॉस ए कॉस सी, सी कॉस बी बी कॉस सी, ये हमारा सी, ये हमारा बी, ये हमारा ए प्लस बी प्लस सी। ऑप्शन में गलती है, नहीं बेटा ऑप्शन सही है, एक्चुअली दूसरा जो सॉल्यूशन है ना, ये वाला दूसरा सॉल्यूशन, ये जो दूसरा सॉल्यूशन है बेटा, ये इसका है दूसरे वाले पार्ट का, हमें इसके सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमें एक ऑप्शन में मिलेगा आपको ए प्लस बी प्लस सी, एक ऑप्शन में मिल रहा है, ये दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन है और इसके सॉल्यूशन की बेटा हमें जरूरत ही नहीं है।
आपको मैंने यही कहा था बेटा। सी साइन ए होगा, कहां सी साइन ए होगा? अच्छा सी साइन ए, चलो ठीक है सही कर देंगे। ठीक है बेटा मैं चेक कर लूंगा एक बार, संजय चेक कर लूंगा। सभी बच्चे बोलो बेटा क्लियर, सभी बच्चे बोलो बेटा क्लियर। बेटा ये हाथ किताब किताब में जो मेरे हाथ में किताब नहीं है बेटा, ये मेरे नोट्स हैं, किताब नहीं है बेटा मेरे नोट्स हैं ये खुद के, मैं वही देख रहा था क्वेश्चन में गलती है तो टाइपिंग में सही कराऊंगा। आप प्रियांशु टाइपिंग में सही कराने की सोच रहा हूँ। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, चलो छठा क्वेश्चन। इन ट्राइंगल एबीसी ए बराबर टू बी, टेन ए माइनस बी इक्वल टू पाई बाई थ्री, द वैल्यू ऑफ एंगल सी। देखो द वैल्यू ऑफ एंगल सी पूछी गई है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। देखो ध्यान दो समझो, ए इक्वल टू टू बी, हमने आपको नेपियर एनालॉजी बताई थी, क्या बताई थी? टेन ए माइनस बी बाई टू इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, बताई थी नहीं बताई थी? ध्यान दो कॉट सी बाई टू, ये मैंने आपको सिखाया था बेटा नेपियर एनालॉजी, एंगल सी निकालना है। अब ए माइनस बी बराबर पाई बाई थ्री, ए माइनस बी बराबर हमें पाई बाई थ्री दे दिया, तो ये पाई बाई थ्री का 60 हो गया, यानी कि टेन ए माइनस बी हमें 60 डिग्री दिया, 60 बाई टू, 60 बाई टू, ए बराबर क्या है 2b, 2b माइनस बी अपॉन 2b प्लस बी कॉट सी बाई टू। ये टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3, ये b अपॉन 3b, b से b कट गया कॉट सी बाई टू, कॉट सी बाई टू। बेटा ये थ्री इधर आ जाएगा तो ये थ्री से थ्री कट जाएगा, यानी कि रूट थ्री इक्वल टू कॉट सी वाई टू, और रूट थ्री वैल्यू कॉट में किसकी होती है? रूट थ्री वैल्यू बेटा कॉट में होती है, ध्यान देंगे, पाई बाई सिक्स की, पाई बाई थ्री की। कॉट थर्टी की, तो इसको क्या ले सकते हैं सी वाई टू इक्वल टू पाई बाई सिक्स, टू थ्री या सिक्स, सी इक्वल टू पाई बाई थ्री है कहीं ऑप्शन में? चेक करो सी इक्वल टू पाई बाई थ्री कहीं है ऑप्शन में? है बेटा, बी ऑप्शन इज राइट, थर्टी की, बिल्कुल सही बेटा बिल्कुल सही। देखो कुछ नहीं किया, नेपियर एनालॉजी लगा दी मैंने, टेन ए माइनस बी बाई टू इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कॉट सी बाई टू। ये हमें a माइनस बी कितना दिया है बेटा? हमें a माइनस बी 60 डिग्री दिया है, 60 बाई टू, एक ही जगह 2b रख दिया, 2b माइनस बी, 2b प्लस बी कॉट सी बाई टू, कॉस टेन 30 की वैल्यू 1 बाई रूट 3, 2b माइनस बी बी, 2b प्लस बी बी, 3b हो गया कॉट सी बाई टू, 1 बाई रूट 3, ये बेटा हमने इधर ले गए तो ये रूट 3 आ गया, इधर ले गए तो कट गया कॉट सी बाई टू, और बेटा कॉट सी बाई टू कॉट सी, ये कॉट में वैल्यू किसकी होती है बेटा? कॉट में वैल्यू होती है, ध्यान देंगे 30 डिग्री की, यानी पाई बाई सिक्स की, तो सी वाई टू बराबर पाई वाई सिक्स आया, दो से तीन पे कट गया, सी बराबर पाई वाई थ्री, सी इक्वल टू पाई वाई थ्री। बोलो बेटा क्लियर, सभी बच्चे एक बार बोलो दिल से क्लियर। दिव्यांश, दीपक बोलो बेटा, प्रियांश बोलो, जीवेश बोलो। सेकंड पार्ट सॉल्व करूं पिछले क्वेश्चन का बेटा, देखता हूं कर दूंगा बेटा। थर्ड और फोर्थ स्टेप बता दें, चलो देखो बेटा ये तो हमारा फॉर्मूला लगा दिया हमने, थैंक यू प्रियांशु, ये बेटा हमने फॉर्मूला लगा दिया 2b माइनस बी, बी बचा। अब मैंने क्या कर दिया, बस इसको बस थोड़ा सा क्या है ना, एक दो स्टेप मैं खा गया हूँ। ये चीज आपको कैलकुलेशन में बेटा फास्ट करनी है, ये चीज आपको कैलकुलेशन में बेटा फास्ट करनी है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे फास्ट करनी है। ध्यान देंगे कि यहाँ पे थ्री बाई रूट थ्री इक्वल टू कॉट सी बाई टू, बस यही स्टेप खाया है, रूट थ्री से ये रूट थ्री टाइम कट गया, अब कॉट सी वाई टू इक्वल टू अंडर रूट तीन आ गया, और अंडर रूट तीन वैल्यू कॉट में कॉट पाई वाई सिक्स की होती है बेटा। ये चीज आप डायरेक्ट करेंगे बेटा एग्जाम में, इतना टाइम हमारे पास नहीं है, आपके पास भी नहीं होना चाहिए कि आप इतना जल्दी कर सको,
टू थ्री या सिक्स, सी की वैल्यू कितनी आ गई, पाई वाई थी, पाई वाई थी आंसर। बेटा आ जाएगी इसकी पीडीएफ, चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, पीडीएफ आ जाएगी इसकी। बोलो बेटा क्लियर, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिफ्थ वाला स्क्रीन सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। फिफ्थ वाला बेटा अभी पीछे मत ले जाओ मुझे प्लीज, प्रिंस पीछे मत ले जाइए बेटा, बार बार पीछे मत ले जाइए। आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना बेटा, प्रिंस प्रिंस बेटा रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, आपसे रिक्वेस्ट है मेरा। बेटा देखो इतना टाइम नहीं होता, ये है देखो अगला क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी द साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सेटिस्फाई थ्री ए इक्वल टू बी प्लस सी, तो वैल्यू ऑफ कॉट, ये प्लस नहीं है, कॉट बी वाई टू कॉट सी वाई टू, कॉट बी वाई टू कॉट सी वाई टू, ध्यान दो। अब कॉट बी वाई टू हमें कॉट सी वाई टू की वैल्यू निकालनी है, कॉट बी वाई टू कॉट सी वाई टू, बी वाई टू कॉट सी वाई टू है, ये दो बार लिख दिया फालतू में, कॉट बी वाई टू कॉट सी वाई टू, कॉट सी वाई टू क्या होगा, बताया था फॉर्मूला, अंडर रूट एस एस माइनस बी अपॉन एस माइनस ए एस माइनस सी, ये बताया था। देखो दूसरा कॉट सी वाई टू, कॉट सी वाई टू क्या होगा, अंडर रूट एस एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए एस माइनस बी, कट रहा है काट पीट कर दो बेटा, एस माइनस बी से एस माइनस बी कटेगा, एस माइनस सी से बेटा एस माइनस सी कट गया, एस और एस का एस स्क्वायर एस रह गया, अपॉन एस माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो बेटा केवल एस माइनस ए, केवल एस माइनस ए रह जाएगा। अब यहाँ क्या होता है बेटा आप जानते हो, मैंने आपको बताया था एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी वाई टू, यहाँ लिख देता हूँ, एस इक्वल टू आपको बताया था मैंने ए प्लस बी प्लस सी वाई टू, यानी कि टू एस इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए प्लस बी प्लस सी, 2s इक्वल टू क्या होगा बेटा, a प्लस बी प्लस सी, भेज देंगे बेटा, बिल्कुल प्रिंस भेज दूंगा बेटा, ये मैंने आपको बताया था, ध्यान दो। तो अब यहां पर दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसको ले सकते हैं 2s 2s माइनस 2a, ध्यान देना 2s की वैल्यू क्या हो गई, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2s a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a, ध्यान देना हमें क्या दिया है, b प्लस सी बराबर क्या दे दिया, b प्लस सी बराबर थ्री है, b प्लस सी बराबर थ्री है, b प्लस सी बराबर थ्री रख दो, a प्लस थ्री है, b प्लस सी थ्री है, प्लस थ्री है माइनस टू, कितना आया तीन और एक चार, चार a अपॉन तीन और एक चार माइनस दो a, a से a कट गया, दो दूनी चार, दो आंसर होगा, b ऑप्शन इज राइट, b ऑप्शन इज राइट, बिल्कुल सही जवाब बेटा। आर्यन लोहिया बेटा बच्चों को लास्ट तक ज्वाइन करना है हमारे साथ, बच्चों को लास्ट तक हमारे साथ रहना है बेटा, हाँ दोबारा समझ लो बेटा, दोबारा समझ लो बेटा, अचित दोबारा समझ लो बेटा, हमें निकालना है कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू, कॉट बी बाई टू क्या होगा, अंडर रूट एस एस माइनस बी अपॉन एस माइनस ए एस माइनस सी, कॉट सी बाई टू क्या होगा, अंडर रूट एस एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए एस माइनस बी, इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, एस इंटू एस एस स्क्वायर हो गया, एस बाहर आ गया, एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया बेटा, बाहर आ गया अंडर रूट से, मैंने दो से मल्टीप्लाई ऊपर किया, दो से डिवाइड नीचे किया, 2s की वैल्यू हमने आपको बताई कि a प्लस बी प्लस सी होती है हमेशा, a प्लस बी प्लस सी, 2s की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a, अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि b प्लस सी बराबर 3a, b प्लस सी बराबर 3a, तो b प्लस सी की जगह मैंने 3a रख दिया, b प्लस सी की जगह बेटा मैंने 3a रख दिया माइनस 2a, ये 2a है नॉट 2b, ये 2a है, सही है। अब यहाँ पे तीन और एक चार है, तीन और एक चार माइनस दो, दो, दो ए बचेगा, ए से कट गया, चार से दो, दो पे कट गया आंसर,
हाँ बेटा वो गलती से हो गया जवेश, नो प्रॉब्लम, बोला तो मैंने टू ये था। थैंक यू बेटा सबके लिए, बहुत अटेंशन होके पढ़ रहे हैं आप लोग। बेटा मैंने फॉर्मूले शिवांश लिखाए थे, मैंने फॉर्मूले फॉर्मूले में लिखाए थे बेटा शिवांश, वो सब वीडियो देख लो बेटा। हाँ प्रियांश वाजपेयी, आर्यन लोहिया कैसे हैं बेटा? बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन प्लीज। अचित मुझे बैक मत करिए, मुझे बैक मत करिए, बताओ बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो? बैक मत करिए मुझे, आप वीडियो देख रहे हैं रिकॉर्डेड। सर सिक्स्थ क्वेश्चन क्या करना है अचित सिक्स्थ क्वेश्चन का? विवेक यू आर न्यू स्टूडेंट, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप नए स्टूडेंट हैं, जहां कोई बात सुना है तो ये टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। देखो बेटा यहाँ पे हमें क्या दे दिया, गिवन दैट, अच्छा स्क्रीन शॉट लेना है, लो ले लो स्क्रीन शॉट ले लो, छठे का ले लो बेटा, लो सिक्स का स्क्रीन शॉट ले लो, जल्दी ले लो बेटा स्क्रीन शॉट। ले लिया बेटा स्क्रीन शॉट? स्क्रीन शॉट ले लिया बेटा? जितने बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्लास में होंगे ना उतना ही मजा आएगा बेटा जवाब देने में। आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा पढ़ने का क्वेश्चन को, बिल्कुल अच्छे। यस नेक्स्ट देखो बेटा, ये बी बराबर दिया है, सी बराबर दिया है, दो साइड दे रखी है, एंगल ए दे दिया, तो हमें पूछा रेडियस ऑफ इन सर्कल यानी कि आर, आर बराबर क्या बताया था? डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने आपको क्या बताया था? हाफ बी सी साइन ए, बी सी साइन ए साइन 30। लेकिन हमारे पास एस नहीं है, सेमी पैरामीटर नहीं है, हमें एस निकालने के लिए तीनों साइड चाहिए। दो साइड हमारे पास है, हमारे पास साइड ए नहीं है, तो पहले कॉस ए, हमें एंगल दिया है कॉस ए बराबर क्या बताया था? बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2bc। बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2bc। कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। बी स्क्वेयर, बी की वैल्यू 2 का स्क्वेयर 4, सी स्क्वेयर 3 माइनस ए स्क्वायर हमें निकालना, अपॉन 2, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू √3। सही है, ध्यान दो, 2 से 2 काट दिया, ये √3 × √3, 3 × 2 = 6, 6 = 7 माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर आएगा 7 - 6, a = 1 आ गया बेटा, a = 1 आ गया। अब हमें एस क्या बताया था हमने? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू √3/2, क्या हो गया ये? √3, 3 + √3/2, कॉमन ले लो यहाँ से, क्या कॉमन ले लो बेटा यहाँ से आप √3, तो क्या होगा? √3 + 1/2, ये हमारा एस आया। एस की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, बस एस की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या थी हमारी वैल्यू? √3 √3 + 1/2। देखो क्या क्या कटेगा, इस 2 से ये 2 कट गया, √3 से ये √3 कट गया, ये 2 ऊपर गया, 2 × sin 30 की वैल्यू 1/2, रैशनलाइज कर दो, √3 - 1 / √3 + 1 और √3 - 1, ये हो गया बेटा 2 से 2 कट गया, √3 + 1 √3 - 1 क्या हो जाएगा बेटा जानते हो आप? a + b a - b a² - b² √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 = 2, तो क्या होगा? √3 - 1/2 है, कहीं √3 - 1/2, सी ऑप्शन इज राइट, बिल्कुल सही बेटा बिल्कुल सही। देखो यहीं से पता लग जाता है, हमें एरिया तो मिल गया, हमें एरिया तो मिल गया, लेकिन एस कैसे मिलेगा? एस हमें मिलेगा a + b + c/2, आपको भी बताया था मैंने। अब हमारे पास साइड ए नहीं, यहां से मैंने साइड ए निकाल दी, a + b + c यहाँ रख दिया मैंने, ये 3 + √3, क्या √3 कॉमन ले लिया बेटा, √3 + 1/2, ये वैल्यू बेटा मैंने एस की यहाँ रख दी, √3 √3 + 1/2, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कट गया, ये 2 ऊपर गया, sin 30 की वैल्यू 1/2, परिमेयकरण कर दिया, परिमेयकरण हर का, √3 - 1 √3 + 1 / √3 - 1, ये हो जाएगा √3 - 1, इससे कट गया, a + b a - b जानते हो, a² - b² √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 = 2, √3 - 1/2 आंसर।
बोलो बेटा सभी बच्चे बोलो, आज बच्चे कम कैसे हैं ये बताइए, आज बच्चे कम कैसे हैं? तेजस, तेजस सावंत, अभय शर्मा, बोलो बेटा क्लियर। दीपक, दोबारा बताऊं दीपक, देखो बेटा समझो, दीपक दोबारा देखो बेटा, देखो बेटा हमें इनरेडियस निकालनी है अंतःवृत्त की त्रिज्या। इनरेडियस मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या। आर बराबर बताया था डेल्टा अपॉन एस, और बेटा डेल्टा अपॉन एस क्या होता है, हाफ ये एरिया होता है। एरिया मैंने आपको बताया था हाफ बी सी साइन ए, ध्यान है फॉर्मूला, हाफ बी सी साइन ए। हाफ बी की जगह कितना है दो, सी की जगह रूट थ्री, साइन ए 30। अब हमारे पास एस नहीं है, एस क्या होता है सेमी पैरामीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। दीपक एस तो बेटा हमारे पास बी भी है और सी भी है, ए नहीं है। तो कॉस ए का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, बात के लिए यहां से मैंने ए निकाल दिया, तो ए कितना आ गया, एक आ गया, ए एक आ गया, तो हमें ए प्लस बी प्लस सी यानी कि ए की वैल्यू वन वन, बी की वैल्यू दो, सी की वैल्यू रूट तीन अपॉन दो, ये थ्री प्लस रूट थ्री बाई टू, यहाँ से रूट थ्री कॉमन ले लिया, रूट थ्री प्लस वन बाई टू, ये वैल्यू बेटा एस की मैंने यहाँ पुट कर दी। दीपक अब ये रूट तीन से रूट तीन कट गया, दो से दो, ये दो हमारा ऊपर पहुंच गया, साइन तीस की वैल्यू एक बट्टे दो। अब रूट तीन प्लस वन बचा नीचे, इसका परिमेयीकरण कर दो हर का, रूट तीन माइनस वन, अब रूट तीन माइनस वन इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, नाइन्थ क्लास में सीखा होगा आप लोगों ने परिमेयीकरण करना बेटा, तो ये हो गया रूट तीन माइनस वन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट तीन का स्क्वायर तीन, एक का स्क्वायर एक, तीन माइनस एक दो, आंसर यही आंसर है बेटा। बोलो दीपक क्लियर, मजा आ गया सर, मजा आ गया लल्लन टॉप। हाँ बेटा भेज दूंगा, बेटा मेरे पास फॉर्मूले सारे लिखे रखे हैं, आज का टाइम दो मैं आज ही भेजता हूँ। देखो तो ये रहे फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले लिखे रखे हैं, अपने हाथ से लिखता हूँ फॉर्मूले, इसलिए आप लोगों के लिए अपने हाथ से लिखता हूँ। देखो ये रहे सारे फॉर्मूले आप लोगों के लिए अपने हाथ से लिखता हूँ बेटा। बेटा अभी रुक जाइए प्लीज, अर्थर दो मिनट बेटा, अर्थर रिक्वेस्ट है मेरी, मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। अगला क्वेश्चन देखो, इन ट्राइंगल एबीसी कौन सा क्वेश्चन है बेटा, देखो बेटा ये निकालना है हमें वैल्यू ऑफ आर आर साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ये बेटा मैंने आपको बताया, ध्यान दो देखो बेटा, अब इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आपको एक मैंने अभी बताया था फर्स्ट डे, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी, ये चारों ऑप्शन डेल्टा के फॉर्म में, एरिया के फॉर्म में, ध्यान रखना यहाँ से आर और आर दोनों गायब करने, यहाँ से ये भी गायब करने और ये भी गायब करने, ध्यान देना बेटा कैसे गायब होंगे ये, इक्वल टू वन अपॉन टू आर बताया था मैंने आपको, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इक्वल टू वन अपॉन टू आर। तो साइन ए क्या आ गया बेटा, साइन ए आ जाएगा यहाँ से ए अपॉन टू आर, साइन बी क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से बी अपॉन टू आर, साइन सी क्या आ जाएगा यहाँ से सी अपॉन टू आर, सी अपॉन टू आर। अब ध्यान दो यहाँ से आप क्या आर आर, साइन ए क्या बताया ए अपॉन टू आर, ए अपॉन टू आर, बी अपॉन टू आर, सी अपॉन, अपने आप पता लग गया होगा आपको, अब 2r बाहर आया यानी कि r अपॉन r अपॉन r, हमने 2r एल सी एम ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, देखो ये हमारा r से r कटा, r a प्लस बी प्लस सी बाई टू क्या होता है r इंटू एस, और r बराबर क्या होता है डेल्टा अपॉन s इंटू s, s से s कट गया, कितना आंसर आया डेल्टा है, कहीं a ऑप्शन इज राइट, देखो a प्लस बी प्लस सी बाई टू इसके बराबर होता है s के बराबर, और मैंने आपको बताया था ना a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है हमारा क्या s बाई टू,
और बेटा हमने आपको R बराबर बताया था डेल्टा अपॉन S, इन दोनों का हमने अप्लाई यहां कर दिया। गजब सर गजब, थैंक यू मोंटी। ये बच्चे कहाँ गए भाई, ये बच्चे कहाँ गए सभी, ये बच्चे क्यों डिस्कनेक्ट हो जाते हैं? ऐसी बात नहीं है बेटा, मैंने कहा है ना जो लास्ट तक मेरे साथ रहेगा। पिछली क्लास में 150 बच्चे बैठे थे, 150 बच्चे से ज्यादा बच्चे बैठे थे लाइव में, अब कहाँ गए सारे बच्चे? हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बेटा देखो क्या है ना, हम जब पढ़ते हैं ना तो माँ बाप का बड़ा पैसा खर्च होता है, हम लोगों की भी मेहनत लगती है, पसीने पसीने हो रहे हैं हम लोग, पसीने पसीने हो रहे हैं बेटा। देखो हम आपके सामने देख रहे हो ना, कितनी बार पसीना पोंछ लिया होगा। हम तो यही चाहते हैं भगवान आपकी मनोकामना जल्दी पूरी करे, हम तो यही चाहते हैं कि भगवान आपकी मनोकामना जल्दी करे बेटा, और आप जल्दी सक्सेस हों, जल्दी सक्सेस हों। देखो अगला क्वेश्चन, साइड हो जाए लोग, बेटा एप पे डालूंगा फॉर्मूले, एप पर लास्ट लाइन समझा दें। नहीं बेटा मोन्टिल कैसर आप मेरे, देखो लास्ट लाइन, देखो बेटा ये लास्ट लाइन आर अपॉन टू आर कॉमन ले लिया, आर से आर कट गया, आर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू क्या बताया बेटा मैंने, एस आर इन टू एस, और आर बराबर क्या बताया मैंने डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा अपॉन एस, एस से एस कट गया, कितना आंसर आया डेल्टा। बेटा ऐप पर फॉर्मूले डालेंगे, ऐप पर सफलता ऐप पर आपने डाउनलोड कर रखा होगा, सफलता ऐप डाउनलोड करो बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो इसमें कुछ गड़बड़ है बेटा, इसमें क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। देखो बेटा ये क्वेश्चन है, ए साइन क्यू ए प्लस कॉस साइन क्यू बी प्लस साइन कॉस साइन क्यू सी बराबर 3 sin A sin B sin C, तो ये निकालना है। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग सभी कर सकते हैं। देखो बेटा यहाँ से साइन ए मैंने क्या बताया था, ए के, यानी कि ए के का क्यू प्लस बी के का क्यू प्लस सी के का क्यू इक्वल टू 3 साइन ए साइन बी साइन सी, ये साइन ए साइन बी साइन सी है, साइन ए साइन बी साइन सी मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखो यहाँ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, तो ये क्या होगा ए के, ए के बी के इंटू सी के, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ध्यान देंगे आप, मैं यही सॉल्व कर दे रहा हूं इसको, मैं ए क्यू ए क्यू के क्यू मैंने कॉमन ले लिया, तीन हो जाएगा से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, के क्यू कॉमन लेके काट दिया दोनों तरफ, के क्यू बराबर 3 ABC, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 ABC है। और बेटा ये कब होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 ABC कब होता है, 9th class में आपने सीखा होगा, 9th class में आपने सीखा होगा कि बेटा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 AC तभी होता है इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तभी बेटा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा 3 ABC होगा। अब यहाँ देख रहे हैं बेटा ये हमें डिटर्मिनेंट दिया है, ये हमें डिटर्मिनेंट दिया है, आप क्या करेंगे सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, यानी कि C1 goes to C1 plus C2 plus C3, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, ये क्या हो गया बी सी ए सी ए बी। अब ये ए प्लस बी प्लस सी हमें क्या दिया है बेटा 0, ए प्लस बी प्लस सी 0 दिया है, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, बी सी ए सी ए बी, ये पूरा कॉलम 0 हो गया, पूरा कॉलम 0, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई,
डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम जीरो है, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम जीरो है, ध्यान रखना, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये जीरो हो जाएगा। हाँ बेटा बिल्कुल, एक वैल्यू भी रख सकते हैं, एबीसी की वैल्यू एक रख दो, मैंने बताया था वन 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 थ्री हो गया, थ्री इंटू वन इंटू वन इंटू वन थ्री इक्वल टू थ्री, और एबीसी की वैल्यू वन रखेंगे तो सब वन 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 वन, दो रो या दो कॉलम या तीन रो तीन कॉलम सेम हो जाते हैं, तो वैल्यू उसकी जीरो हो जाती है। बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाऊंगा अनुराग, थोड़ा शांति करिए बेटा, रिकॉर्डेड क्लास लेता हूं तो रुक रुक के चलती है, प्लीज हेल्प सर, मेरी रिकॉर्डिंग क्लास लेनी रहता है। चलो देखता हूं बेटा, हाँ मोनिका महाजन रिपीट कर दो सर, रिपीट करते हैं बेटा, नो प्रॉब्लम। देखो देखो बेटा, मैंने आपको बताया था ना साइन ए इक्वल टू ए के, साइन फॉर्मूला बताया था, ये तो बेटा आपको सबको याद होना चाहिए, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी बताया था ना आपको मैंने, साइन सी अपॉन सी, साइन ए बराबर मैंने के बताया था, तो ये साइन ए बराबर क्या होगा यहाँ से, ए के होगा, साइन बी बराबर क्या होगा, बी के होगा, साइन सी क्या होगा, सी के होगा, ये हो गया, ये सारी वैल्यू रख दी। अब ये के क्यू मैंने कॉमन लेके यहाँ के क्यू से काट दिया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो गया, थ्री ए बी सी बचा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर थ्री ए बी सी है, और ये तभी होगा केवल जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो रख दिया, ए प्लस बी प्लस सी जीरो, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, पूरा एक कॉलम जीरो हो गया बेटा, कोई भी एक कॉलम जीरो हो जाए वैल्यू जीरो, कोई भी एक रो जीरो हो जाए वैल्यू जीरो। बेटा दस क्वेश्चन नहीं कराया, गलत है अनुराग, दसवा क्वेश्चन नहीं कराया, वो कुछ में कुछ गड़बड़ है, दसवा क्वेश्चन नहीं कराया बेटा, उसमें कुछ गड़बड़ है, दिल से क्लियर, हाँ डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे बिल्कुल, सजल सजल पढ़ाएंगे बेटा डिटरमिनेंट, बिल्कुल पढ़ाएंगे, हाँ बोलो विक्रांत, प्रियांश बोलो बेटा, प्रियांश वाजपेयी, प्रियांश वाजपेयी बोलो बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देखो, आग लगा दी सर, आग लगा दी, आपका जवाब नहीं सर, बहुत मस्त पढ़ाते हो, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। देखो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, देखो ये क्वेश्चन, ओह क्या टाइपिंग कर दी टाइपिस्ट ने, ये टाइपिस्ट मुझे मारना पड़ेगा, टाइपिस्ट मेरे बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है, इसलिए मुझे उसको थोड़ा सा डोज देनी पड़ेगी टाइपिस्ट को। ये बेटा एस माइनस, ये एस है पांच की जगह, ये एस है हर जगह, पांच की जगह एस कर लेना, एक्चुअली क्या ना टाइपिस्ट बेटा इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं, आप जानते हो, टाइपिस्ट को एस और पांच में अंतर नहीं दिखाई दिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन मैंने हाथ से लिख के दिए थे पेपर में से, ये तो कौन सी का मान पूछा है, देखो बेटा एस माइनस ए एस माइनस बी इक्वल टू एस एस माइनस सी, तो हमें एंगल सी निकालना है, क्या हो जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन एस एस माइनस सी बराबर वन आ गया। अब बेटा देख रहे हैं आप एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन एस एस माइनस सी किसके बराबर होता है, ये बेटा हमारा, यदि मैं इधर अंडर रूट लगा दूं, अंडर रूट इधर भी अंडर रूट और इधर भी अंडर रूट, तो बेटा हमारा ये टेन टेन सी वाई टू का बन जाता है, और बेटा एक बन गया हमारा ये, एक वैल्यू किसकी होती है टेन पैतालीस, टेन पैतालीस, तो सी वाई टू बराबर आ गया बेटा पैतालीस, तो बेटा सी बराबर आ गया नब्बे, आंसर होना चाहिए कहीं ना कहीं, ये ऑप्शन इज राइट। अंडर रूट कैसे है, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो बेटा, अंडर रूट कैसे बेटा, क्वेश्चन नाइन मोनिका महाजन, अभी रुकना पड़ेगा,
एस माइनस ए एस माइनस बी इक्वल टू एस एस माइनस सी दिया, इसको मैं इधर ले आया, इधर वन बचा। अब मैं इधर भी अंडर रूट लगा सकता हूँ बेटा, इधर भी अंडर रूट लगा सकता हूँ। अब आपको पता लग गया ये फॉर्मूला कौन सा है, एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन एस एस माइनस सी, ये टेन सी बाई टू का फॉर्मूला। ये हमारा एक वैल्यू टेन में किसकी, पैंतालीस की, यानी कि सी बाई टू बराबर पैंतालीस। तो कौन सी बराबर कितना आ गया, नब्बे डिग्री। कौन सी बराबर कितना आया बेटा, नाइनटी डिग्री। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, जय गुरु जी की। एलसी नहीं है, एंगल सी है बेटा, ये एलसी गलत लिखा हुआ है, एलसी कुछ नहीं है, एंगल सी है, ये टाइपिस्ट है ना, मैं कह तो रहा हूँ टाइपिस्ट गड़बड़ है थोड़ा, इसने कई क्वेश्चन गलत टाइप कर रखे हैं। हाँ भाई जिवेश देवनागर, मजा आ गया गुरु जी, मजा आ गया। भारत माता की जय, मॉडर्न ब्रह्मा जी हो सर आप। बेटा मोनिका भी रुकना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर नौ के लिए रुकना पड़ेगा बेटा, अभी नहीं बेटा, मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उसके बाद बताऊंगा बेटा। देखो अगला, ये टू एस है, यहाँ पे ये पांच है, इसकी जगह एस कर देना हर जगह, टू एस, ये भी एस, ये भी एस। देखो हमें क्या दिया है, एस माइनस बी एस माइनस सी इक्वल टू एक्स। ये मैंने आपको साइन ए बाई टू क्या बताया था, आपको मैंने साइन ए बाई टू क्या बताया था, ध्यान होगा आपको, अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, शायद मैंने ये बताया था आपको, शायद मैंने आपको ये बताया था। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे स्क्वेयर लगाऊंगा ना, साइन स्क्वेयर ए बाई टू करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी हो जाएगा बेटा। ये यहाँ पे पुट कर दो, ये हमारा साइन स्क्वेयर ए बाई टू है, तो ये एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी इक्वल टू एक्स साइन स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी अपॉन बी सी। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, तो क्या हो गया, एक्स बराबर कितना आ गया, बी सी है, कहीं ए ऑप्शन इज राइट, कतई जहर सर। कहाँ गए बच्चे सभी, कमेंट क्यों नहीं कर रहे, दिल से क्लियर लिखना पड़ेगा। देखो हमें क्या दिया है, टू एस इक्वल टू, तो ये होता ही है, जानते ही हो, ए प्लस बी प्लस सी, और एस माइनस बी एस माइनस सी बराबर दिया है एक्स साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है हमसे एक्स, फाइंड एक्स, ये टाइपिस्ट को मुझे आज टाइट करना पड़ेगा, फाइंड एक्स। तो अब यहाँ से साइन ए बाई टू में बताया था अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं स्क्वेयरिंग कर दिया, साइन स्क्वायर ए बाई टू एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी एस माइनस बी सी एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस सी एक्स बराबर कितना आ गया, बी सी। बोलो क्लियर, कोई बात नहीं, प्रशांत चिंता मत करिए, सही कर देंगे, दिल से क्लियर। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन, द एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर एन एपी, यानी कि त्रिभुज एबीसी के कौन समांतर श्रेणी में है, त्रिभुज एबीसी के कौन समांतर श्रेणी में है, देखो बेटा, तो कौन सा विकल्प सही है। कितना खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है देखने में, कितना खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है। ये कहाँ से आया, आया कहाँ से अनुराग, अनुराग बेटा ये कहीं से नहीं आया, क्वेश्चन में दिया है, ये रहा एस माइनस बी एस माइनस सी बराबर एक्स साइन स्क्वायर ए वाई टू। अनुराग देखो, अनुराग क्वेश्चन में दिया है एस माइनस बी एस माइनस सी बराबर एक्स साइन स्क्वायर ए वाई टू। देखो बेटा ध्यान दो आगे, त्रिभुज एबीसी के कौन समांतर श्रेणी में, अब समांतर श्रेणी में होंगे तो आप जानते हो क्या होता है, पता है आपको, यानी कि टू एंगल बी, यानी कि मैं कहूंगा आपसे कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी आर इन ए पी समांतर श्रेणी में है, तो बेटा ये कंडीशन जानते हो, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी,
टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, सब बच्चे जानते होंगे एपी की कंडीशन, और आप जानते हो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, एंगल ए प्लस सी, एंगल ए प्लस सी टू बी के बराबर, टू एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, थ्री एंगल बी इक्वल टू 180, तो एंगल बी कितना आ गया बेटा 60 डिग्री, एंगल बी हमारा 60 डिग्री आ गया। बस यहाँ जो रिलेशन दिया है ए बी सी में दिया है, cos 60, cos 60 बराबर क्या होगा, यानी कि बी एंगल है ना ये, cos बी निकाल दिया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, cos 60 की वैल्यू 1/2, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, 2 से 2 कट गया, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए है कहीं, यानी कि क्या दिया हमें बी स्क्वायर बराबर, हाँ ये आ गया, बी को इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर बराबर ये आ गया हमारा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी आंसर। बेटा दिमाग से पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं है, दिमाग से पढ़ोगे तो बेटा कुछ भी नहीं है, सही बता रहा हूं मैं आपको। अब क्या है क्वेश्चन में, ये तो आपको पता लग गया कि एबीसी समांतर श्रेणी में है, बता दूंगा बेटा प्रियांशु, बता दूंगा बेटा प्रियांशु वाजपेयी, बता दूंगा बाबू, चिंता मत करिए। देखो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, अब हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है, और टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, तो ए प्लस सी की जगह हमने टू बी लिख दिया, प्लस बी 180, थ्री एंगल बी इक्वल टू 180, एंगल बी इक्वल टू 60, कॉस 60 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस बी है ना ये बी है, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ac, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ac इक्वल टू बी स्क्वायर, यही है बेटा, बी ऑप्शन इज राइट। बेटा अनुराग अभी मैंने बोला है कि आप, मैंने सबसे बेस्ट बुक में आपको बताई थी कि अरिहंत की बेटा आप वो ले लो स्टडी पैकेज मैथ का, अरिहंत का स्टडी पैकेज ले लो बेटा मैथ का, कोस 60 ही क्यों लिया, कोस 60 इसलिए सार्प शूटर क्यों, हमारे पास 60 ही है इसीलिए कोस 60 लिया, तीन एंगल नहीं निकाल सकते बेटा हम, बेटा एक बार बताइए तीन एंगल आप कैसे निकालेंगे, यानी कि एपी में है तो हमारा एक एंगल निकालेगा 60 डिग्री, तो अगला क्या होगा 30 60 90, किससे भी निकाल लो आंसर तीनों से सेम ही आएगा, आंसर हमेशा 30 और तीनों सेम आएगा। बेटा कॉस इसीलिए लिया हमने कि हमें जो सारा रिलेशन दिया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में दिया है, कॉस हमने इसीलिए लिया कि सारा जो रिलेशन दिया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में लिया, बेटा आपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, मैक्सिमम एक मिनट सर एंगल से निकाल दो, कौन से एंगल से निकाल दें जितेन, कौन से एंगल से निकाल दें बेटा जितेन, कौन से एंगल से निकाल दें ये बताओ ना, तीनों आपने तीनों बता दिए, कौन से निकालना है ये बताओ, नब्बे से, ओहो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है भाई, एक बात समझ नहीं आ रही बेटा मेरे, ये a माइनस डी a और a प्लस डी, ये बराबर हमारा 60 आ गया, ये हमारा 60 आ गया सही है, आप ये बाकी दो एंगल कैसे निकाल सकते हो यहां से, कैसे निकालोगे,
जितेन बाकी एंगल कैसे निकालोगे बेटा? ये आपने जो एंगल निकाले, चलो कोई बात नहीं, मैंने मान लिया आपकी बात कि 60 90 है। अभी बताइए, मैंने यहां से एंगल भी मैंने 60 निकाल दिया, यानी कि इन तीनों का जोड़ 180 हो गया। a माइनस डी ए ए प्लस डी इक्वल टू 180। डी से डी कट गया, 3 एंगल इक्वल टू 180 एंगल, ए 60 डिग्री आ गया। चलो एंगल ए हमारा 60, ये हमारा 60 आ गया, यानी कि एंगल बी था, ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी। अब एंगल ए और सी कैसे निकालेंगे आप? ए प्लस सी बराबर 120, बिल्कुल सही है। एंगल ए प्लस सी इक्वल टू 120, बिल्कुल सही। ए की वैल्यू ए माइनस डी, सी की वैल्यू ए प्लस डी 120। डी से डी कट गया, 2 ए बराबर 120, ए बराबर फिर 60 आ गया। जितेन बेटा मैसेज करिए आप प्लीज, जितेन बेटा मैसेज करिए आप प्लीज। जितेन केवल मैसेज करिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है बेटा। जितेन यादव, मेरे पास माइक की व्यवस्था नहीं है, ये कौन है बच्चा? ये बच्चा कौन है भाई? प्रिंस, प्रिंस भाई साहब, सॉल्व कर लो बेटा एंगल लगा के। 2a साइन स्क्वायर c बाई टू, 2c साइन स्क्वायर a बाई टू लाके सॉल्व कर दो, एबीसी अपने आप आ जाएंगी बेटा, एबीसी अपने आप आ जाएंगी। बेटा कंडीशन सेटिस्फाई करने से मतलब नहीं है बेटा, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं मना नहीं कर रहा, आपकी बात बिल्कुल सही है सर। कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सही बात है आपकी, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये कह रहे हैं कि भैया ये एंगल 30 60 90 है, 90 से कर दो, लो 90 से कर देते हैं, इनकी बात मान लेते हैं। ये सी है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, तो क्या हो जाएगा कैंसिल इधर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर कहीं ऑप्शन में है? ये देखो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहीं ऑप्शन में है? कहीं नहीं है, इसीलिए इसे नहीं कर सकते। ये भी इससे करेंगे तो आ जाएगा, जो भी आएगा देख लेना घर पर करके। नाउ क्लियर? चलो ठीक बेटा, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये दिया हमें बी प्लस सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब ये कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, देखो बी प्लस सी बाई टू, बी प्लस सी बाई टू, बी प्लस सी अपॉन ए दिया है। क्या लिख सकते हैं? के साइन बी, बताया था के साइन सी अपॉन के साइन ए, के साइन ए, यहां से के कॉमन लेके काट दिया, साइन बी प्लस साइन सी अपॉन साइन ए। साइन सी प्लस साइन डी पढ़ाया 11वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, साइन ए प्लस साइन बी, टू साइन ए प्लस बी वाई, बी प्लस सी वाई टू इंटू कॉस कॉस बी माइनस सी वाई टू अपॉन ये 2 साइन ए वाई टू कॉस ए वाई टू, दो से दो कट गया। अब आप एक बात जानते हो, आप पता है ट्राइंगल है, ट्राइंगल में क्या हो गया बेटा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। ये हमें क्या दिया है, बी प्लस सी वाई टू, बी प्लस सी 180 माइनस ए, ठीक है। तो बी प्लस सी वाई टू क्या होगा, यहां से बी प्लस सी वाई टू निकालेंगे तो क्या होगा, 90 माइनस ए वाई टू 90। अब b प्लस
सी बाई टू की जगह 90 माइनस ए बाई टू, साइन 90 माइनस ए बाई टू, कॉस बी माइनस सी बाई टू अपॉन टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। अब पता लग जाएगा यहां से आपको, देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस ए बाई टू, ये से कट गया कॉस ए बाई टू, कॉस बी माइनस सी बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू कौन सा है, कॉस बी माइनस सी बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, ए ऑप्शन इज राइट। हाँ जितेन बोलो बेटा, जितेन थैंक यू जितेन, थैंक यू जितेन। सुमित देखो सुमित दोबारा समझ लो बेटा, ये हम लिख सकते हैं के साइन बी बताया था साइन फॉर्मूला से, के साइन सी अपॉन के साइन ए, के कॉमन लेके काट दिया, साइन बी प्लस साइन सी अपॉन साइन ए। अब साइन सी प्लस साइन डी आपको फॉर्मूला सिखाया था 11वीं क्लास में, टू साइन बी प्लस सी बाई टू इंटू कॉस बी माइनस सी बाई टू, ये हाफ एंगल फॉर्मूला 11वीं क्लास से, टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, टू से टू कट गया। अब आपको पता है एबीसी ट्राइंगल है, एबीसी जब ट्राइंगल है तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, तो यहाँ से हमें बी प्लस सी बाई टू है, तो बी प्लस सी क्या हो जाएगा 180 माइनस सी, अब बी प्लस सी बाई टू क्या होगा 90 माइनस ए बाई टू, हमने डिवाइड कर दिया दो से पूरे में, बी प्लस सी बाई टू 90 माइनस ए बाई टू, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस ए बाई टू हो जाएगा, कॉस से ये कॉस कट जाएगा, कॉस बी माइनस सी बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, ये आंसर हुआ। बोलो बेटा क्लियर सभी बच्चे, बोलो अगला क्वेश्चन आप बिना सोचे समझे बता सकते हैं। थैंक यू जितेन, थैंक यू बेटा जितेन यादव, बोलो दिल से क्लियर जितेन, दिल से क्लियर। चलो नेक्स्ट बेटा, अगला क्वेश्चन आप बता सकते हैं, देखो अगला क्वेश्चन ये सभी बता सकते हैं, मैं करा चुका हूं, ए प्लस सी कॉस ए, अब ये कॉस ए नहीं होगा कॉस बी होगा, देख लेते हैं, चलो ए प्लस सी कॉस ए प्लस सी प्लस ए कॉस बी प्लस ए प्लस बी कॉस सी। अब यहां पे ये ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, ये बी प्लस सी होगा, सही कर लो बेटा बी प्लस सी, यहाँ पे ये बी प्लस सी है, बी प्लस सी, ये सही कर लो बेटा बी प्लस सी। अब आप जानते हो आपको सिखाया था मैंने, अभी क्वेश्चन दो बार आया बेटा एग्जाम में, दो तीन बार आया है क्वेश्चन एग्जाम में, बी कॉस ए प्लस सी कॉस ए, यहां देखो सी कॉस बी प्लस ए कॉस बी प्लस ए कॉस सी प्लस बी कॉस सी, ये आप देख रहे हैं, अब बी कॉस ए कॉस बी कहां ए रहा, बी कॉस ए कॉस बी ये सी है, सी कॉस ए कॉस सी, सी कॉस बी बी कॉस सी, देखो बी कॉस ए कॉस बी किसके बराबर है, ये सी के बराबर, सी कॉस ए कॉस सी बी के बराबर, सी कॉस बी ए बी कॉस सी किसके बराबर, ए के बराबर, ए प्लस बी प्लस सी शायद कराया था मैंने आपको बेटा, ये दो तीन बार आया एग्जाम में, दो तीन बार एग्जाम में आया है बेटा, प्रियांशु में देख के बताऊंगा, अभी रुक जाओ बेटा, सी ऑप्शन इज राइट। प्रियांशु एक्चुअली क्या है बेटा, प्रांत होता है, प्रांत होता है बेटा क्या, मूल मान का अंतराल क्या होता है बेटा, ऑप्शन क्या क्या दे रखे थे, ऑप्शन बताइए, ऑप्शन बताइए बेटा प्रियांशु,
एक से पांच स्क्रीनशॉट लेने बेटा, एक से पांच मैंने कल की वीडियो में कराए थे अथर्व, कल की वीडियो में कराए थे बेटा, एक से पांच तक मैंने, कल की वीडियो में देख लेना, आज इतना ही कराता हूँ, आज इतना ही कराता हूँ बेटा, थैंक यू।